धारक हैं। बराबर। मैं आपसे क्या कहूँ, एक एक मंत्र का, एक एक श्लोक का इतना गहरा मर्म है कि जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। जैसे देखिए, हमें समझ लो घर में अपन कहीं बैठे हों और रसोई में कुछ समझ लो बढ़िया चाय बन रही होवे, कोई मिठाई बन रही होवे, और अपन हॉल में बैठे हों, बाहर बैठे हों, अरे घर में एंटर हो रहे हैं, तुरंत अपने को उसकी गंध आ जाती है। बराबर। और फिर घर वाले पूछते हैं, ओहो हो, आपकी तो घ्राणेन्द्रिय की इतनी जोरदार शक्ति है, तो हमें उस बात पे भी अभिमान हो जाता, अरे मेरी नाक तो, मेरी घ्राणेन्द्रिय शक्ति तो बहुत जोरदार है। अरे कहते हैं, एक एक इंद्रिय की ऐसी छोटी मोटी शक्तियों के ऊपर इतराने वाले हे संसारी जीव, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बने, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बने, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान धारक हमारे सिद्ध भगवान है। क्या बढ़िया सुंदर कल्पना है, नमो सिद्ध विगतेन्द्रिय ज्ञान भागी। ऐसा आगे अवेदाय नमः, इसका भी मैंने अर्थ किया था कि जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक आदि सभी प्रकार के वेद भावों से रहित हैं, जो रमण भाव सो आकुलित जीव सारे, अरे इन महाकष्ट प्रद तीनों प्रकार के वेद भावों से, वेदों से जगत सारा आकुलित है। और सिद्ध भगवान कैसे हैं, निजानंद रमणीय शिव, निजानंद रमणीय शिव नार स्वामी, नमो पुरुषाकृत सभे सिद्ध नामी। अरे सिद्ध भगवान तो निज रमणी के साथ वे नियम, जो शिवनार लिखा है, शिवनार मतलब मोक्ष रूपी रमणी के जो स्वामी हैं, ऐसे सिद्ध भगवान पुरुषाकृत हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। आगे अभेदाय नमः, ये 15वां आर्य हैं, और निजाधीनाय नमः, ये 16वां आर्य हैं, जो अभेद हैं, जो निजाधीन हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों को वंदन किया। अब आप देखिए एक बात में, अब थोड़ी अपन जनरल चर्चा करते हैं, बराबर, फिर अपन जयमाला के पृष्ठ के आधार से हम आप लोग इसकी चर्चा और विशेष करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा बहुत शांति से आप लोग सभी लोग सुनिएगा। मैंने जिन 16 अर्घ्यों के माध्यम से यहाँ अभी बहुत संक्षिप्त केवल और केवल मैंने आप लोगों को 16 अर्घ्यों का सामान्य स्वरूप यहाँ, बहुत सामान्य स्वरूप यहाँ आप लोगों को अभी मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो एक एक प्रश्न सुनना ध्यान से, पहली जो पूजा हम आप लोगों ने की उसमें कितने गुणों की बात आई थी, बहुत सिंपल बात है, 8 गुण थे। अच्छा वे 8 कौन से थे, वही थे ना, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अवगाहनत्व अव्याबाधत्व आदि। हाँ सुनना ध्यान से, पहली पूजा में उन्हीं 8 गुणों के लिए अर्घ लिखा, और दूसरी पूजा में भी 16 अर्घ्यों में 8 अर्घ वे ही आए। कहीं समझाए छे क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये होती है कला, ये होती है कविता। पहली पूजा में 8 अर्घ तो लिखे उन्होंने, 8 अर्घ्यों के छंद बनाए, बराबर, और फिर दूसरी पूजा में फिर उन्होंने इसी प्रकार के 8 अर्घ्यों को और बनाया। मतलब देखो, जहाँ न जावे रवि वहाँ जावे कवि, और जहाँ न जावे कवि वहाँ जावे अनुभवी स्वानुभवी, ये होती है साहित्य की साधना। हाँ देखो, पूज्य गुरुदेव श्री ने सभा में 19-19 बार समय सार लिया, हर बार बड़े बड़े गहरे रहस्य। आप 18वीं बार के प्रवचन सुनिए और 19वीं बार के प्रवचन में सुनिए, बिल्कुल मेल नहीं खाए, लेकिन वीतरागता आत्म स्वभाव के आनंद में झूला खाते हुए आप लोगों को मस्ती दिखेगी, हम आप लोगों को मस्ती दिखेगी, मतलब हर बार नया। मैं आपसे पूछता हूँ, परिक्रमा गीत हम आप लोगों ने कल भी सुना, कल सायंकाल को भी सुना, आज सुबह भी सुना, और अभी अंत में भी सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा आपको, चिंता मत करना, बराबर, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा आप लोगों को। अब अपन 3 बार तो सुने हैं, आज सुबह सुना,
कल शाम को भी सुना और परसों भी सुना, हर बार आनंद आया कि नहीं अलग अलग बताओ आप। हाँ, हर कोई कभी शिखर जी पहुँच गया, कोई कभी गिरनार पहुँच गया, कोई तो चंपापुर पहुँच गया, कोई तो पावापुर पहुँच गया। देखो हर बार अनुभूति अलग अलग है, हर बार की अनुभूति अलग अलग है। महाराष्ट्र के लोग काफ़ी बैठे हैं, आप लोगों का प्रिय आहार क्या है? पुरन पोली, बराबर ना? हाँ, पुरन पोली है ना आप लोगों की, तो सोमवार को पुरन पोली बनाए। बम्बई वाले बनाते हैं कि नहीं पुरन पोली? पुरन पोली बनाया तो देखो, सोमवार को भी बनाया उसका आनंद अलग, शनिवार को बनाया उसका आनंद अलग। हर बार मतलब आप देखो, हर बार की अनुभूति अपनी अलग अलग होती है। अरे वहाँ तो विषय भोगों की बात है, यहाँ तो कहते हैं भाई आनंद 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 आनंद। हाँ, निरंतर वही, निरंतर वही। एक और सुंदर उदाहरण याद आ रहा है मुझे, सुनिए आप, कि हम आप लोगों के जो है ना कान आदि बन जाते हैं, आदि आदि समझ रहे, आदत हो जाती है कि एक जैसी भक्ति सुन करके, बराबर। समय सार स्तुति है ना, समय सार स्तुति एक ही है ना, समय सार स्तुति तो एक ही है ना, वही सुबह सुनेंगे, वही शाम को सुनेंगे, वही रोज सुनेंगे, वही हर सप्ताह सुनेंगे, हर महीने सुनेंगे। अरे सालों से अपन एक ही स्तुति सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब जब भी गाते हैं तब तब हमें आनंद 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 आता है कि नहीं बताओ? हाँ, तो आप सोचो, एक ही कविता है, एक ही समय सार स्तुति का पाठ निरंतर करते हैं। अरे शब्दों का आलंबन नहीं है, भावों का आलंबन है। मैंने एक वाक्य बोला था, आप लोगों को ध्यान है, बहुत सुंदर एक वाक्य कहा था, आगम से शब्द समझ में आते हैं लेकिन अनुभव से भाव समझ में आते हैं। क्या कहा? हा? समझ में आ रही बात? ज्ञान से, आगम से, शास्त्रों से शब्द तो समझ में आएंगे, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक उनके मूल भाव समझ में नहीं आएंगे। शब्द सुन करके संतुष्ट मत होना। सुनना, बहुत बढ़िया वाक्य बोल रहा हूँ, शब्द मात्र सुन करके संतुष्ट मत होना, भावों को समझ करके परम तृप्त होना। क्या बोला? शब्द म्लेच्छ नहीं बनना, मात्र शब्द सुन करके तृप्त नहीं होना, भावों को समझ करके परम तृप्त होना। हाँ, मैं एक पुराने कॉलेज में यहाँ जॉब जब करता था, सर्विस में था, आज से 15 साल पहले की बात है, वहाँ एक केरलियन मेरी साथी मित्र थी, मतलब वहाँ प्रोफेसर थी, वो मुझे अक्सर पूछा करती थी, वो केरलियन टोन में बोलती थी, कि ऐसे बोलती थी, गुजराती बोलती थी लेकिन केरलियन टोन में, केम सो, मतलब केम छो, ऐसा बोले, बराबर। फिर मैं बोलो कि आनंद छे, ऐसे मैं बोलता था कि आनंद छे, तो फिर मैं दूसरा वाक्य बोलता था, आनंद तो छे पर परमानंद नथी। कुछ समझ में आया आपको? मैं ऐसा बोलता था उनको कि आनंद तो छे पर परमानंद नथी। हाँ, अरे आप लोगों को ये ऑनलाइन जूम के ऊपर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, आनंद तो है लेकिन परमानंद नहीं है। हाँ, समझ गए आप लोग? कहने का मतलब ये है भाई, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी भगवान जो अपने स्वरूप में परम तृप्त हैं, अरे आगम का भी आलंबन नहीं, तो आलंबन किसका? आत्मा का। आगम का नहीं, आत्मा का आलंबन। इस रूप से स्वरूप और स्वभाव की मस्ती में डूबे हुए सिद्ध भगवान उनकी यहाँ वंदना कर रहे हैं। एक एक अर्घ में बहुत मर्म है। मैंने 3-4 मंत्रों के अर्थ तो प्रातः काल के स्वाध्याय में की थी, फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, कुछ लोग नए जुड़े हों तो मैं उसकी चर्चा करता हूँ। इसमें देखिए आप, अनंत ज्ञान वाला जो छंद है, अनंत ज्ञान वाला छंद, दूसरा जो मंत्र है, दूसरा बिल्कुल 16 अर्घ्यों में जो दूसरा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। विधि ज्ञान वर्ण विनाश कियो, ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आया, देखो,
विधि ज्ञान आवरण विनाश कियो। अरे जिन्होंने ज्ञानावरण विधि मतलब कर्मों का नाश किया और निज ज्ञान स्वभाव विकास लियो, और जिन्होंने ज्ञान स्वभाव का विकास कर लिया। वाह, ज्ञानावरण कर्म का विनाश और ज्ञान स्वभाव का विकास, इसको बोलते हैं सौ नौ सात, सौ नौ विकास। हरेक का साथ होवे तो हरेक का विकास होवे, अपने स्वभाव भाव की यहाँ बात चल रही है। समयांतर सर्व विशेष जनो नमो ज्ञान अनंत सुसिद्ध तनो। हे सिद्ध परमेश्वर भगवान, आपने अनंत ज्ञान को प्रकट किया और पल भर में ही आप सारे के सारे लोकालोक की व्यवस्था को देखा करते हैं। और हम अपनी बात करें तो लोकालोक झलकते जिसमें सिद्ध प्रभु का केवल ज्ञान। क्या बोला मैंने, कुछ चेंज करके मैं बोल रहा हूँ, बराबर अभी प्रासंगिक है इसलिए। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे प्रभु शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद महान। ये तो सिद्धों की बात हो गई, तो फिर मेरी अपनी ज्ञायक पर दृष्टि जम जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। क्या कहा, ज्ञायक पर दृष्टि जम जाए। अरे वहां दिखे जिनेंद्र, सुनो ध्यान से, वहां सामने दिखे जिनेंद्र और अंदर में दिखे निजेंद्र। क्या कहा मैंने, नहीं समझ में आ रही बात? ये आप लोग बोलेंगे नया शब्द कहां से आया, वो नया शब्द जिनवाड़ी में, सामने दिखे जिनेंद्र और अंदर में दिखे निजेंद्र। हाँ, समझाए छे, समझ में आ रही बात है? निजेंद्र तो जिनको देखते देखते निज को देखो। क्या कहा, दूसरों को मत देखो कि कौन कितने बजे मंदिर में आया। लोग बाग तो उसी की बातें किया करते हैं, हाँ, फोन पे यही पूछेंगे, जय जिनेंद्र केम छो, आजे मंदिर में देखाना नहीं। अरे हम मंदिर में भगवान को देखने गए थे, कोई किसी को देखने गए थे वहाँ? हाँ, ये सब क्रियाकांड है भाई, ये सब बहुत बड़ा अज्ञान है। हाँ, काओ तुम्हें गेल्या आठवड्यापासून मंदिरामध्ये दिसलास नहीं, हाँ, ढसाळेला होता कि चिखलीला होता? अरे भाई, हाँ, हम किसी से मिलने थोड़ी जाते हैं, वहाँ तो जिनेंद्र भगवान को मिलने गए हैं, बस जिनेंद्र भगवान के गुणों का आराधन करके आए, बस ये हमारे लिए पर्याप्त है। हाँ, अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाय, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सद्गुरु वचन सुहाय, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिनेंद्र भगवंतों का दर्शन करके अपने आत्म स्वभाव का दर्शन करो, ऐसी सुंदर भावना। तो यहाँ ज्ञान आदि में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। आगे तीसरा जो छंद है ना, तीसरा, इसका भी अर्थ अपन ने किया था। क्या किया था, सुख अमृत पीवत स्वेदन हो, बराबर, निज भाव विराजत खेदन हो। इसका थोड़ा सा गहरा मर्म है कि सुख अमृत पीवत स्वेद न हो, मतलब थके नहीं, वो अपने सुखामृत का रसा स्वाद करते 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 थके नहीं। अभी मैं समझो भूल गया मैं घड़ी और भूल गया टाइम, और मैं ये ऐसी 8 बजे हैं, फिर 9 बजे तक, फिर 10 बजे तक, तो मैं ऐसे बोलता जाऊं, तो आप जो पंखी के रूप में बैठे सब एक एक करके यहाँ से उड़ जाएंगे। हाँ, लेफ्ट गो, हाँ, फिर ज्वाइन डिक्शनरी में से गायब हो जाता है, फिर तो ओनली लेफ्ट। क्या बोला था मैंने कल परसों, कल बोला था ना, धारणा और पारणा,
हमें ज्वाइन में मजा नहीं आता है, हमें तो लेफ्ट में मजा आता है। हाँ भाई, सुन रहे हैं आप लोग, विपरीत देखिए, सुख अमृत पीवत स्वेदन हो। अरे हम आप लोग गृहस्थ तो सुनते सुनते थकते हैं, थक जाते हैं और बोल भी लेते हैं, धर्म तो केटलू सांभळवानू, पछी क्या धर्म 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 ज करवानू। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से, बहुत सुंदर। कल पूजा में मैं उस व्यू को आपके सामने बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं सस्पेंस आप लोगों के सामने खोलता हूँ, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। सिद्धालय में सिद्ध कितने हैं बोलो, सिद्धालय में सिद्ध कितने हैं? अनंत है ना, अनंत है कि नहीं? जवाब गलत है। सिद्धालय में सिद्ध अनंत होंगे, मैं अपने स्वभाव की बात की अपेक्षा से पूछ रहा हूं मैं आपको, सिद्धालय में मेरा सिद्ध पना ना, तो सिद्धालय में सिद्ध कितने? अनंत नहीं, एक मैं स्वयं। समझ में आ रही बात है? तो इसकी विशेष चर्चा तो कल प्रातःकाल पूजा के समय में अपन करेंगे। अरे अनंत सिद्ध है, जहाँ देखो वहाँ सिद्ध, लेकिन अपने स्वरूप में जो तृप्त हैं ऐसे सिद्ध भगवान, वे अनंत वीर के धनी है। देखो वीर ये बल, अनंत है ना, क्षायिक आदि नौ लब्धियों में एक अनंत उपभोग शक्ति आती है, लब्धि, नौ लब्धियों में एक भोग लब्धि भी है और एक उपभोग लब्धि भी है। तो उपभोग लब्धि मतलब निरंतर ज्ञाय 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 स्वरूप में ही लीन, वहां से उठने की बात नहीं, वहां से जाने की बात नहीं, वहां कोई विकल्प नहीं, कोई तरंग नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। इसलिए भाई सिद्धशिला में जाना हो तो पहले सोचना चाहिए हमें, क्योंकि वहां जाने का तो रास्ता है लेकिन वहां से निकलने का रास्ता नहीं है। अरे 3 महीने में 4 दिवाली के घर में अपन लोग बोर हो गए, अनंत काल तक तो सिद्ध भगवान कितने बोर होते होंगे, विचार करो। कहीं समझाई छे, हाँ अरे 2.5-3 महीने हो गए घर में है तो ऐसा लगता है कि भागू भागू, हाँ बाहर भागू। अरे भाई वहाँ तो रही है अनंतानंत, यथा तथा शिव परिणमे, सिद्धशिला में तो गए सो गए, वहां से कोई निकलने की बात ही नहीं। हाँ इसलिए अतुल वीर के धनी है, थकते नहीं है अपने आनंद में, अपने आनंद में। हाँ अरे गुरुदेव श्री का तो देखो आप, सुबह 4 बजे उठे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे समय सार को, हाँ घंटों बैठे हो वो पालीताना के रोड के ऊपर जाए और खड्डों में बैठ जाए, और सम्यक ज्ञान दीपिका का स्वाध्याय तो गुरुदेव श्री ने खड्डों में बैठ के किया, सम्यक ज्ञान दीपिका का स्वाध्याय सुना है आप लोगों ने, क्षुल्लक धर्मदास जी की रचना है। तो गुरुदेव श्री अक्सर बोलते हैं ये जब सम्यक ज्ञान दीपिका मिली तो वो वहां जाकर के बैठते थे और पढ़ते थे खड्डों में जाकर के। भाई अंदर में होनी चाहिए पीड़ा पढ़ने की करने की। जैसे देखो मुंबई के कई लोग मेरे साथ यहाँ अभी जुड़े हुए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मुंबई के लोग बोरीवली में रहते हैं बराबर, और बोरीवली से फिर वो जाएंगे कहाँ, चर्च गेट बराबर। अब क्या करते हैं, लोकल ट्रेन में चढ़ेंगे, एक हाथ से ऊपर पकड़ा है डंडा बराबर और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर होता है। अरे वो पढ़ते 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 कब वे चर्च गेट पहुँच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। क्या मतलब है, जिनको पढ़ना है वे ट्रेन की भीड़ में भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। बोलो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ने वाले, लेकिन रस होना चाहिए। हाँ मुंबई वाला तुमने पूछो छो समझाए छे क्या कहा मैंने, अरे मुंबई के लोग तो न्यूज़पेपर भी ट्रेन में, इतने छोटे छोटे अक्षर। हाँ अरे जिनको पढ़ना है वो हर परिस्थिति में पढ़ लेवे। अरे स्मशान में गया हो ना, क्रिकेट का शौकीन, शेयर बाजार का धंधा वाला, वहाँ वो बाजार में भी जाएगा, स्मशान में भी जाएगा तो भी वो पड़ोसी से पूछेगा
आज का क्या भाव चल रहा है, हाँ सेंसेक्स उठा कि सेंसेक्स गिरा, हाँ ऐसा है भाई, अंदर में रुचि होनी चाहिए, अंदर में रस होना चाहिए, हाँ ख्याल में आ गई बात। इसलिए भाई क्षेत्र का बंधन काम नहीं करता है, भावों का बंधन काम करता है। क्या कहा मैंने, क्षेत्र का बंधन काम नहीं करता है, भावों का बंधन काम करता है। अंदर भाव होने चाहिए तो ही काम हो सकता है। तो अतुल वीर के धनी, बहुत सुंदर पंक्ति है, निज भाव विराजत खेदन हो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति का मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने अर्थ किया था, मैं उसी पंक्ति की तरफ और आगे बढ़ता हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हैं आठवें छंद की तरफ, बराबर आठवां नवा जो है ना, इसमें ये आठवां जो छंद है इसमें देखो आप, जन्म मरण युत धरे न काय, रोगाधिक संक्लेशन पाय, नित्य निरंजन निर अविकार, अव्याबाध नमो सुखकार। सिद्ध भगवान कैसे हैं, अव्याबाध अनंत सुख के धनी है। तो बाधा किसकी, तो कहते हैं जन्म मरण युत धरे न काय, कोई जन्म मरण धारण करने रूप काया ही नहीं है जिनके पास, शरीर ही नहीं है, देह ही नहीं है, रोगादिक संक्लेशन पाए, किसी भी प्रकार के रोगादिक के संक्लेश जिसके पास नहीं है, नित्य निरंजन निरविकार, अंजन निरंजन, अंजन मतलब दोष, अंजन मतलब विकार, ये जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा बोला करते हैं कि नहीं अपन लोग, तो जन्म मरण ही सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा दोष है, उस दोषों से जो रहित हैं, उन दोषों से जो रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। देखो आप, जन्म बेटे का जन्म होवे तो गांव में ये पेड़े बांटता है, हाँ नया मकान बन जाए ना, नया मकान वास्तु करता है, फिर गुरुदेव जी बोलते हैं मोटा मोटा सरदारों ने बोलावे, मोटा मोटा अधिकारियों ने बोलावे, लाखों रुपयों का खर्च करे, हाँ एक घर बना, अरे ये चैतन्य घर है उसकी वास्तु कर, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ बाह्य संयोग, परीक्षा में पास हो गया समझो, अच्छे मार्क्स 100 में से 100 आ गया, तो देखो पूरी रात भर नींद नहीं आएगी उसको, क्योंकि इतना खुश हो गया कि वो खुशी के मारे ऐसा मर गया कि उसको नींद ही नहीं आती है, हाँ फेल होवे तो भी नींद नहीं आवे, और अच्छे मार्क से पास होवे तो भी नींद नहीं आवे। देखो इंसान दो बार रड़ता है, रोता है, मालूम क्यों रोता है दो बार, एक तो बहुत खुश होता है तो रोता है, और एक बार बहुत गमगीन होता है तो रोता है, क्या बोलते हैं वो, कभी खुशी कभी गम, कभी कभी तो खुशी मनावे नाचे, और कभी कभी तो दुखी 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 होवे भाई। इसलिए ये बहुत मतलब विचित्रता है संसार की, अव्याबाद अनंत सुख, बराबर आगे बढ़ते हैं। देखो भुजंग प्रयाति जो छंद हैं उनमें भी आगे अवेद अतीन्द्रिय अभेद, बराबर। चलिए छंदों के बारे में तो मुझे जो खास आप लोगों को बताना था, कुछ छंदों की चर्चा हम आप लोगों ने की है, अब देखिए जयमाला की तरफ बढ़ते हैं। जयमाला बहुत सुंदर है, पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फंद, जग प्रपंच विरहित सदा नमो सिद्ध सुख कंद। क्या कह रहे हैं इसमें, ये कहना चाहते हैं कि जो सिद्ध भगवान हैं वे सिद्ध भगवान कैसे हैं। देखो आप कितनी सुंदर बात इसमें कह रहे हैं, पहला जो छंद पढ़ा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कर्म के फंद से पूर्णतया रहित, जगत संसार के विस्तार से रहित, सुख के कंद, पंच परम परमात्ममय सिद्ध भगवान को सदा नमस्कार है। क्या कहा, पंच परम परमात्ममय सिद्ध भगवान, इसका यदि अर्थ करें ना तो पसीना छूटे अपने को, सुनना ध्यान से, ये सिद्ध भगवान कैसे हैं, पंच परम परमात्मा,
अरे पंच परमेष्ठी स्वरूप स्वयं का उनका अपना स्वरूप है। साधु पने को देखो, उपाध्याय पने को देखो, आचार्य पने को देखो, अरहंत पने को देखो, स्वयं सिद्ध पने को देखो, वो सिद्ध भगवान में विराजमान है। ऐसे वे सिद्ध भगवान, आप लोग अपने अपने पुस्तक में देखिएगा, आगे मैं पढ़ता हूँ। दुख कारण द्वेष विडारण हो, वशडारण राग निवारण हो, भवितारण पूरण कारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? कहते हैं दुख के कारणभूत द्वेष को नष्ट कर देने वाले। समझ रहे हैं आप लोग? द्वेषी जीव जो होता है अपनी बहू के प्रति, अपनी बेटी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अरे किसी शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के प्रति द्वेष द्वेष, गुस्सा 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 गुस्सा। मुझे लगता है कि कमठ का गुस्सा तो 10 भाव में तो खत्म हो गया। कैक समझाए छे कैक समझाए छे, क्या बोला मैंने? कमठ का गुस्सा तो पार्श्वनाथ के ऊपर से 10 भाव में तो हट गया। न जाने संसारी जीवों का ये अनंत 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 संसार भव भवांतर तक कैसे चलता रहता है। तो लगता है गुस्से के मामले में अपन कमठ से भी थोड़े सुपर हैं। क्या कहा? वो डिग्रियां होती हैं 3 डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब गुस्सों के मामले में अपन कैसे हैं, द्वेष के मामले में कमट से भी थोड़े ज़्यादा सुपर हैं। सारी जिंदगी बोलेंगे नहीं, मुंह देखना चाहेंगे नहीं, इतना द्वेष 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 द्वेष। हाँ भाई, ठीक नहीं है ये गुस्सा, ये द्वेष, ये क्रोध। हाँ सोचना आप लोग। तो कहते हैं दुख का जो कारण द्वेष है, उस द्वेष का जिन्होंने नाश कर दिया है, वशडारण राग निवारण हो, वशीभूत करने वाले राग के निवारक। देखो सुनना ध्यान से, दुख के कारणभूत द्वेष का नाश करने वाले और वशीभूत करने वाला जो राग है, उस राग को दूर करने वाले, मतलब न जिनके पास राग है और न जिनके पास द्वेष है। सुनना, मेरी तरफ देखना आप लोग, मेरी तरफ देखना। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं कैसे समझाऊं आपको? हाँ सुनो सुनो और मेरी तरफ देखना, समझो ऐसा, ये ना, क्या कहा मैंने, ये ऐसा, ये समझो त्रिशूल है। ये क्या है? ये त्रिशूल है, ये ऐसा और ये ऐसा। तुम्हारा परम कल्याण हो, बराबर मेरे भक्तों का भला हो, एक ये, और ये जो मेरे भक्तों को पीड़ा देंगे उनका मैं सर्वनाश करूंगा। मेरी तरफ देखना, ये जो है ना त्रिशूल, ये द्वेष का प्रतीक है, और ये जो है ये क्या है, राग का प्रतीक है। तमे जाओ तमे जाओ तमे जाओ तमे जाओ, तमे नहीं आवता, तमे दूर थाओ, द्वेष है, और तमे आओ तमे आओ तमे आओ। ये जो है ना, हाँ, भेंटने की भावना, कहने का मतलब अपनाने की भावना, ये राग है। अरे हमें न किसी को हटाना है, न किसी को, हमें अपने आप को, हमें अपने को अपनाना है, हमें जगत को नहीं अपनाना है। अपने में अपनापन जब होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। सुना है आप लोगों ने कभी? सुना है? मैंने तो नहीं सुना है। हाँ कितनी गजब की बात है। हाँ शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, भेष दिगंबर धारण होगा, रत्न त्रय का पालन होगा। जिस दिन ये पापी मन पावन होगा, निज आत्मा तब भ
भगवान होगा। कब होगा? जब होगा तब होगा। ऐसी भाई सुंदर बातें हैं। तो यहाँ इस जयमाला में जो कह रहे हैं कितनी बढ़िया बात है, राग और द्वेष दोनों का जिन्होंने नाश किया है, बराबर। भवितारण पूरण कारण हो सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। क्या कह रहे हैं कि भवितारण पूरण कारण हो, अरे भव्य जीवों को संसार सागर से पार उतारने के लिए परिपूर्ण कारणभूत, मतलब 100% गारंटी है सिद्धों के शरण में जो आए। क्या कहा? सिद्धों के शरण में जो आए वो भव सागर से पार हुए बिना नहीं रहेगा। कहते ना ISI मार्क, क्या बोलते हो ISI मार्क है ना, उसका क्या अर्थ है? इंटरनेशनल सिद्ध, उसका अर्थ है इंटरनेशनल सिद्ध, अंतरराष्ट्रीय सिद्धत्व का ट्रेडमार्क। अरे अपन किचन में एक चम्मच भी लाते हैं ना, चम्मच, तो देखते हैं ISI मार्क है कि नहीं। जैसे आजकल के छोटे बच्चे वो जो डोम्स कंपनी के पेंसिल देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हिमालय पर्वत से लेकर के आए हैं, और ऐसे कॉलर टाइट करके फिरते हैं, मेरे पास डोम्स का पेंसिल है। अरे तू ही डोबा है, डोबा। तू महामूर्ख है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? डोम्स का पेंसिल और डोम्स का इरेजर, बच्चों को बहुत गर्व होता है। अरे भाई ये भौतिक वस्तुओं की क्या महिमा है, अपना स्वभाव भाव अपनी महिमा, महिमावंत तो अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप के अलावा कहीं और अन्यत्र यदि समझ लो अधिकता यदि अपनी हो गई तो मर गए, अपना स्वभाव अपने हाथ में से छूट जाएगा। इसलिए कहीं भी बाहर की किसी भी वस्तु की महिमा हमें होनी नहीं चाहिए। हाँ, मेरे साथ गाएंगे आप लोग एक पंक्ति, देखते हैं आपको याद है कि मुझे याद है। मुझे याद नहीं है, मैं आप लोग साथ देंगे तो मैं गा पाऊंगा। गाएंगे सभी? कुछ लोग तो बहुत जिन बिंब की भांति बैठे हैं, स्तब्ध बिल्कुल। हाँ गाएंगे, हाथ खड़ा करो। देखो आप लोग सातवें गुणस्थान में जाएंगे ना, तो मेरा छठा कैसा होगा? हाँ आपको देख देख करके मैं भी सातवें में नहीं जाऊंगा, ठीक है? चलो क्या कह रहा था मैं, स्वभाव भाव के अलावा कहीं भी हमें अपनेपन की महिमा नहीं आनी चाहिए भाई। अरे ये धन, ये संपत्ति, ये स्त्री, ये पुत्र, ये परिवार धूर्तों की टोली है, लिखा है नियम सार में, धूर्तों की टोली है। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना बंगला काम आएगा ना गाड़ी आएगी। गुजराती में ऐसा कहा जाए, ना गाड़ी काम आएगी ना लाड़ी आएगी, ना लाड़ी काम आएगी ना वाड़ी आएगी। अरे फार्म हाउस दुनिया भर के तुम्हारे वैसे के वैसे रखे रहेंगे। वो सद्दाम हुसैन जब मर गया कहाँ मिला? वो जमीन के अंदर था, 6 फीट की, 4 फीट की जमीन, 4 फीट की जमीन के अंदर था वो। हाँ जिसके वहाँ सोने के नल थे, पानी सोने का नहीं था, चिंता मत करना। हाँ पानी तो वही अपन पीते हैं वो। अच्छा वो नल में से क्या आता होगा? सोना झरता होगा? हाँ सोचो तो सही। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, पर खोल के पंछी तू पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना YouTube काम आएगा ना झूम आएगा। कुछ बोला मैंने? ये YouTube के भरोसे मत रहो, अपने आत्मा के भरोसे रहो।
झूम के भरोसे मत रहो, स्वाध्याय की महिमा करो, झूम की महिमा नहीं। क्या कहा? स्वाध्याय की महिमा, और स्वाध्याय की भी महिमा नहीं, स्वभाव की महिमा। क्या कहा मैंने? क्या कहा? स्वाध्याय की भी महिमा नहीं, स्वभाव की महिमा। स्वाध्याय महिमावंत इसलिए है क्योंकि स्वाध्याय का हर शब्द स्वभाव की महिमा करता है। साइंटिस्ट श्री समझाई छे, स्वाध्याय की महिमा नहीं, स्वभाव की महिमा है। क्योंकि स्वाध्याय का शब्द शब्द किसकी महिमा के लिए समर्पित है बताओ? स्वभाव की महिमा के लिए समर्पित। समझाई छे? ऐसा है भाई। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्या वो पंक्ति पूरी करते हैं? धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो राग और द्वेष इन दोनों का जिन्होंने नाश किया है, ये तो अभी बिल्कुल पहली पंक्ति के ही माध्यम से मैं बात कर रहा था। अब देखिए तीसरा छंद बहुत बढ़िया है। समयामृत पूरित देव सही, बहुत सुंदर पंक्ति है। समयामृत पूरित देव सही पर आकृत मूर्ति लेश लेश नहीं। ये बहुत सुंदर और रहस्यपूर्ण छंद है। इसका अर्थ है देखिए, आत्मानुभूति रूपी अमृत से परिपूर्ण। क्या कहा? समयामृत कहा ना, समय सार ग्रंथ है कि नहीं? समय सार शास्त्र है। देखो सुनना, समय सार शास्त्र का शास्त्र की टीका का नाम क्या है? आत्मख्याति। देखो समय सार और आत्मख्याति, ठीक है? देखो वहां समय शब्द है और आत्मख्याति में आत्मा शब्द है। अब सुनना, आत्मख्याति क्यों कहा? आत्मा की ख्याति का होना ही समय का सार है। क्या समझ में आया? बात समझ में आ रही है? आत्मा की ख्याति का होना, अपनी अनुभूति में प्रसिद्धि का होना ही समय का सार है। हाँ, इसलिए आत्मख्याति उसका नाम लिखा है। आत्मा तो है भाई, लेकिन आत्मख्याति होना जरूरी है। आत्मा का होना अलग बात है और आत्मा की ख्याति का होना अलग बात है। ऐसे समयामृत लिखा है इसमें, समय रूपी अमृत। तो आत्मानुभूति अमृत जो है उसका पान करके कहते हैं परिपूर्ण है। पर आकृत मूर्ति लेश नहीं, पर निमित्तक आकृति और मूर्ति से पूर्ण तैयार रहित है। ये बहुत मार्मिक है कि पर लक्षी कोई आकार प्रकार नहीं है। जैसे कोई पूछे आप कहाँ के, तो अपन क्या कहते हैं? बम्बई के। कहाँ के? बम्बई के, बराबर। और समझो कि भले हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, सुनना ध्यान से, एक बार ऐसा बनाओ बना था इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान के नडियाद के थे वे, बराबर, नडियाद यहाँ गुजरात में जो है, और वो पिछले 8-10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, बराबर। वो अभी एक बार आए थे तो मैंने उनका परिचय दिया कि भाई आ नडियाद ना छे। तो बोले नहीं नहीं हमें नडियाद ना नहीं, हमें तो अमेरिका ना चाहिए। मतलब उनको मूल वतन जो है, मूल जन्म स्थान है, उससे कोई लेना देना नहीं है। 10 साल से जो जाहो जलाली अमेरिका में जो जी रहे हैं उसकी कितनी महिमा है देखो आप। अरे हमें पर क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने असंख्यात प्रदेशी आत्मा में मस्त हैं। बात समझ में आ रही है भाई? कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में अपने स्वरूप और स्वभाव से ही हम आप लोग सोचें, हमें अन्य से कोई लेना देना नहीं है, हमें अन्य से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपने स्वभाव भाव से ही जीना चाहिए। और सच इसलिए हमें तो केवल और केवल अपने स्वभाव से मतलब है, इसलिए समय सार रूपी अमृत का रस पान करने वाले ऐसे जिनेंद्र भगवान परकृत आकारों से रहित हैं, दूसरों से अपनी गिनती नहीं करते हैं। सुनना आप, मुझे बताओ,
स्वाश्रित परिचय गौरवशाली है कि पराश्रित परिचय गौरवशाली है, बताओ क्या कहा मैंने? हमें अपने से अपनी पहचान होनी चाहिए कि दूसरों से पहचान होनी चाहिए? हाँ, स्वाश्रित परिचय। तो संस्कृत में एक श्लोक आता है, मैं अर्थ बताता हूं, सुनो आप। कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन वे कैसे पैसे वाले होते हैं खबर? क्योंकि उनके भाई लोग हैं, उनके भाई भाई करोड़पति हैं, इसलिए वो खुद करोड़पति कहलाता है। उसके पास पैसे नहीं है, उतने संपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरा बड़ा भाई जो बहुत करोड़पति अब्जोपति है, इसलिए छोटा भाई भी करोड़पति पैसा वाला कहलाता है। एक तो ये, दूसरा माँ बाप पैसे वाले हैं, इसलिए बेटा भी क्या कहलाता है? पैसे वाला कहलाता है। तीन हो गए। अब तीसरा, जिसकी पत्नी करोड़ों कमाती है, क्या कहा मैंने? जिसकी पत्नी करोड़ों कमाती है, इसलिए वो पुरुष भी करोड़ों पति कहलाता है, उसको तो डूबी मरना चाहिए। हाँ, अरे भाई, भाई के पास करोड़ों हो, चाहे माँ बाप के पास करोड़ों हो और पत्नी के पास करोड़ों हो, ये सब पराश्रित अपने धन संपत्ति को आंकने जैसी बात है। संस्कृत में लिखा हुआ है कवि ने, अरे ऐसे धनवान तो बहुत हैं, लेकिन स्वाश्रित अपने बलबूते स्वयंभू, समय सार में आता है स्वयंभू, अपने आत्म बल से जो संपन्न होने वाले तो बहुत कम होते हैं। सिद्ध भगवान तो ऐसे हैं कि वे अपने स्वरूप और स्वभाव की पहचान से हैं। देखो, सिद्ध भगवंतों का आकार होता है ना, सिद्ध भगवंतों का आकार सुनना, उनको शरीर के प्रदेशत्व गुणों से कोई लेना देना नहीं है। उनका स्वयं का प्रदेशत्व गुण है कि नहीं? उनका प्रदेशत्व गुण अपने पास है कि नहीं? ऐसा लगता है जैसे वो नारियल का गोला अंदर से अलग पड़ता है ना, ऐसा ऐसा। तो शरीर छूट गया और अंदर आत्मा समेट गया। मार्ग समेटने का है, मार्ग फैलाने का नहीं है। तो ये इस जयमाला के अंतर्गत ये भी एक छंद बहुत बढ़िया है, और आगे है सातवां एक छंद है, मैं उसका अर्थ करता हूँ, सुनना आप, बहुत सुंदर छंद है सातवां। देखिए अपन ने पढ़, एक जैसे शब्द है उसमें, बहुत सुंदर छंद है। शरणम चरणम वरणम करणम धरणम चरणम मरणम हरणम तरणम भववारिधि तारण हो सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। देखो क्या लिखा है, शरणम चरणम वरणम करणम। जब अपन विधान कर रहे होते हैं तब तो संगीत में डोलते डोलते पंक्ति कब निकल गई पता ही नहीं चलता अपने को। देखो क्या लिखा है, जिनके चरणों की शरण से श्रेष्ठ करण रूपी निर्मल भावों द्वारा जन्म जरा मरण का क्षय हो जाता है, ये उसका अर्थ है। शरणम चरणम वरणम करणम धरणम चरणम मरणम हरणम, इसका अर्थ है ये। समझ में आ रही बातें? हाँ, संसार रूपी सागर से पार होने के लिए नाव के समान है, ये तो बहुत सरल है। तरणम भववारिधि तारण हो सब सिद्ध नमो सुख कारण हो, ऐसे सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। एक एक पंक्ति में बहुत मर्म है भाई। चलो अब नौवां छंद है, इस नौवें छंद का अर्थ लेकर के हम आप लोग विषय का समापन करते हैं। तुम ध्यावत शाश्वत व्याधि दहे तुम पूजत ही पद पूजल है। अरे आपका ध्यान करने से शाश्वत व्याधि संसार परिभ्रमण रूपी अनादिकालीन रोग नष्ट हो जाता है, आपकी पूजन करने से पूज्य पद की प्राप्ति हो जाती है, शरण में आए संतों का उद्धार करने वाले सुख के कारणभूत सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। शरणागत संत उदाहरण, आपके शरण में जो आया उनका आप भला करते हैं, ये कितनी भक्ति भावना की भाषा है। इस प्रकार से भक्ति वैराग्य सिद्धांत और जैन दर्शन, ये सारे करणानुयोग चरणानुयोग, ऐसे अनेक प्रकार के अनुयोगों के शास्त्रों के आगम अध्यात्म के ग्रंथों के सार के साथ ये बहुत सुंदर लिखी गई जयमाला है। हम आप लोग
सिद्ध भगवंतों की वंदना करते हैं, बराबर सभी आप लोग आंखें बंद करके बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, देखेंगे नहीं, आपके सामने पीडीएफ भी नहीं आएगा, केवल आंखें बंद करेंगे, लेकिन हम एक अलग अंदाज में, एक अलग पद्धति से अभी सिद्ध भगवंतों की यहाँ वंदना समर्पित करते हैं, बराबर। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। सिद्धों का सुमरन करने से, उनके अनुशीलन चिंतन से, प्रगटे शुद्धात्म प्रकाश महासुख दानी, पाओगे शिव रज धानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे, वे स्वपर भेद विज्ञानी थे, निज देह नेह को त्याग भक्ति उरानी, हो गई पाप की हानि। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। मैना भी आत्म ज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी, अशुभ भाव से बचने को जिनवर की पूजन ठानी, कर जिनवर की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। भव भोग छोड़ योगीश भये, श्रीपाल ध्यान धरी मोक्ष गए, दूजे भव में ना पावे शिव रज धानी, केवल रह गई कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। प्रभु दर्शन अर्चन वंदन से, मिटता है मोह तिमिर मन से, निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भव प्राणी, पाते निज निधि विसरानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। भक्ति से उर हर्षाया है, उत्सवयुत पाठ रचाया है, जब हर्ष ही ये न समाया तो फिर नृत्य करन की ठानी, जिनवर भक्ति सुखदानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। सब सिद्ध चक्र का जाप जपो, उन्हीं का मन में ध्यान धरो, नहीं रहे पाप की मन में नाम निशानी, बन जाओ शिव पथगामी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। जो भक्ति करे मन वचतन से, वह छूट जाए भव बंधन से, भविजन भज लो भगवान भगति उर आनी, मिट जे है दुखद कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। श्री सिद्ध
श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी कर सिद्धों की अगवानी कर सिद्धों की अगवानी।